एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग लॉन्ग हो चैन के आने का वेट कर रहे थे, तभी टावर ऑफ इटर्निटी का गेट वापस से ओपन हो जाता है जिसमें से लॉन्ग हो चैन बाहर आता है। लेकिन इस बार वो अपने आइस फ्लावर को लाता है जिसे देखकर सीमा शियान लॉन्ग हो चैन से पूछता है, कैप्टन ये क्या चीज है, क्या ये एक रिवॉर्ड है? जिसके बाद लॉन्ग हो चैन आइस फ्लावर सीमा शियान को दे देता है। यहाँ उस छोटे से आइस फ्लावर का वेट बहुत ज्यादा था जिसको सीमा शियान नहीं उठा पाता, वो उसे लेकर नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर लिन शिन कहता है, कैप्टन क्या ये आइस फ्लावर इतना ज्यादा हैवी है? तभी अचानक से दो डीमन वहां आ जाते हैं जिन्हें देखकर लॉन्ग हाउ चैन की टीम की हवा टाइट हो गई थी, और फिर उसमें से एक डीमन उस आइस फ्लावर को वापस ले लेता है और लॉन्ग हाउ चैन से कहता है, मास्टर मैं इस आइस फ्लावर को अभी के लिए रख रहा हूँ। अब ये देख वो सब बहुत ज्यादा शॉक थे, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन उन दोनों डीमन्स को अपने पेंडेंट में समन कर लेता है और सबको बताता है, ये रिवॉर्ड मुझे ट्रायल में मिला है। इसे देख लिन शिन शॉक होकर कहता है, कैप्टन ने तो इन दोनों डीमंस को समन कर लिया, कैप्टन अब बहुत कूल हैं। तभी वहां एक आवाज लॉन्ग हाउ चैन को कांग्रेचुलेशन कहती है और कहती है, तुमने ट्रायल के सभी फर्स्ट लेवल को पास कर लिया, 12 होलीनेस मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट है जिसमें तुमने 9th लेवल के डीमन को काफी अच्छी टक्कर देकर अपनी पावर्स को सरप्रेस कर दिया, और ऐसे ही तुम अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर पाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सेकेंड लेवल भी रेडी कर दिया है। और फिर इस तरह वहां बहुत सारे स्टेयर्स आ जाती हैं जिसपे सीमा शियान कहता है, कैप्टन आप जल्दी सेकेंड लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है, ये इजी बिल्कुल नहीं होने वाला है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी, इसलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता हूँ। वैसे तुम लोगों का कल्टीवेशन कैसा चल रहा है? जिसपे सायर लॉन्ग हाउ चैन को बताती है, सभी लोग ने काफी बेहतरीन प्रोग्रेस करा है, और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों ने 6000 पॉइंट्स एक्सीड कर लिया था। जिसके बाद वैंग वान बताती है, हम अगर ऐसे ही डीमंस को खत्म करते रहे तो हमारी कल्टीवेशन पावर और इंक्रीज हो जाएगी। लॉन्ग हाउ चैन को उसके सेंसेस से पता चलता है हॉयू उसे बुला रहा है, क्योंकि वो फिर से एवोल्यूशन स्टेज पर है। जिसपे लिन शिन कहता है, क्या सच में हॉयू का एवोल्यूशन होने वाला है? तभी सायर भी कहती है, मुझे भी हॉयू की दुनिया देखनी है। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन सभी को हॉयू की दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां का एटमॉस्फेयर पूरा डार्क था और वहां सायर को अजीब सा महसूस होता है क्योंकि वहां लॉन्ग हाउ चैन नहीं था। तभी एक ज़ॉम्बी डीमन लिन शिन का लेग पकड़ लेता है और फिर सीमा शियान उसे लात मारकर पीछे कर देता है। तभी हम वहां बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी डीमंस को देखते हैं जिनसे लड़ने के लिए लॉन्ग हाउ चैन की डीमन हंटिंग टीम पूरी तरीके से रेडी थी। उधर लॉन्ग हाउ चैन दूसरी जगह पहुंच गया था और वो सायर को ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो सोचता है बाकी सब कहां चले गए। तभी वहां हॉयू आ जाता है, लॉन्ग हाउ चैन उसे खाने के लिए ड्राइड फिश देता है, और जैसे ही हॉयू उस पर जंप करता है वो लॉन्ग हाउ चैन के आर पार हो जाता है। यहाँ लॉन्ग हाउ चैन को पता चल गया था कि ये हॉयू की मेमोरी वर्ल्ड है, जिसके बाद वो हॉयू को देखने लगा था, जहाँ हॉयू एक बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा था, जिसे देखकर लॉन्ग हाउ चैन कहता है, ये तो बहुत नटखट है। तभी अचानक से लॉन्ग हाउ चैन को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था और वो सोच रहा था बाकी सब कहाँ चले गए, क्योंकि उन सब की होली सोल चैन लॉन्ग हाउ चैन से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद वो हॉयू के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां बारिश होने लगती है और हायू बारिश के पानी को टेस्ट करने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है, लेकिन वैसे ही उसकी जीभ चल जाती है और फिर हायू दर्द से भागने लगता है, जिसे देख लॉन्ग हाउ चैन कहता है, हायू इस टाइम बहुत कुछ सफर कर रहा है। तभी कोई डीमन एक स्पीयर से अटैक करता है, जिसको बचाने के लिए लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग हाउ चैन का अटैक उन सबको छू तक नहीं पाता और फिर हायू को वहां स्पीयर लग जाता है, जिससे हायू बुरी तरह चिल्लाने लगता है। जहां लॉन्ग हाउ चैन सोचने लगता है, जब वो हॉयू से पहली बार मिला था तो उस टाइम हॉयू बहुत इंजर्ड था, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन ने ही उसे बचा लिया था। तभी वो सारे डीमंस हॉयू को मारने लगे थे और फिर हॉयू को जंजीर में बांधकर बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तभी लॉन्ग हाउ चैन दूसरी जगह पहुंच जाता है जहां हॉयू नहीं था। लॉन्ग हाउ चैन को वहां बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन को होश आ गया था, जिसका मतलब अब तक जो भी लॉन्ग हाउ चैन ने देखा वो सब एक इल्यूजन था। और जब लॉन्ग हाउ चैन को होश आता है तो वो देखता है सायर उसके सामने बैठी थी, जो देख लॉन्ग हाउ चैन काफी सरप्राइज था, लेकिन फिर भी वो घबराते हुए पीछे मुड़ता है, जहां पर हॉयू एक शील्ड के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। अब लॉन्ग हाउ चैन सायर से पूछता है, आखिर तुम लोग यहाँ कैसे आए? जिसपे सायर बताती है, तुम जैसे ही डिसअपीयर हुए हम तभी समझ गए थे जरूर हॉयू को प्रॉब्लम है और तुम उसकी हेल्प करने उसके वर्ल्ड गए हो। तो लॉन्ग हाउ चैन कहता है, अब बाहर की सिचुएशन कैसी है? सायर उसे बताती है, जब
जब तुम बेहोश थे तब हमने बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मारा, लेकिन उसकी संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉन्ग हाउ चैन के टीममेट्स को देखते हैं जो उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहे थे। तभी वहाँ लॉन्ग हाउ चैन और सायर भी आ जाते हैं, जिनको देख बाकी टीममेट काफ़ी खुश थे और वो पूछते हैं, बॉस क्या आप ठीक हैं? जिस पे लॉन्ग हाउ चैन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी के लोग कहाँ हैं? तभी वो देखता है पहाड़ी के नीचे सीमाशियान और वेंगुआन अपनी पावर से ज़ॉम्बी के छक्के छुड़ा रहे थे। सीमाशियान फाइट करते हुए कह रहा था कि ये साले ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं, हम इन्हें कैसे रोकेंगे? तभी लॉन्ग हाउ चैन कहता है, जब तक हायू का एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इनसे फाइट करते रहेंगे। इतना कहकर वो अटैक करने के लिए आगे जा रहा था, मगर उसे रोकते हुए लिन ने बताया था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी लॉस हो गई है, इसलिए तुम आगे मत जाओ। तो लिन उससे कहता है, अगर बॉस आगे नहीं जा सकते तो क्या हुआ? अब तो उनके पास दो सेंट गार्ड हैं जो उनके एक इशारे पे बैटल फील्ड को साफ कर देंगे। लिन के इतना कहते ही लॉन्ग हाउ चैन उन दोनों सेंट गार्ड को बाहर बुला लेता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने का ऑर्डर दे देता है। जो सुन वो दोनों बहुत तेजी से ज़ॉम्बीज की ओर बढ़ते हैं और अपने एक ही मूव से ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, जो देखकर सब काफी हैरान थे और कहते हैं, बाप रे इनकी स्पीड के आगे ये ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं सेंट गार्ड 12 असुरा स्ट्राइक का यूज करके बहुत से ज़ॉम्बीज को एक ही झटके में मार देता है। वहीं दूसरा सेंट गार्ड भी अपने फ्रोजन के पावर को यूज करके सारे ज़ॉम्बीज को फ्रीज कर देता है, जो देख डीमन हंटिंग स्क्वाड काफी सरप्राइज थी। तभी लिन कहता है, बॉस ये दोनों सेंट तो कमाल के हैं। यहाँ उन लोगों को लग रहा था कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है ज़ॉम्बी की, जो आते साथ ही सभी डीमन्स को अनफ्रीज कर देता है। साथ ही उसे यह भी पता लग गया था कि हायू उस केव के अंदर है, इसलिए वो अपनी आर्मी से कहता है, इन ह्यूमंस को जल्दी से मारकर केव की ओर बढ़ो। जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन अपनी टीम से कहता है, इस ज़ॉम्बी किंग की कॉम्बैट पावर लेवल 7 पर है, इसलिए हमें मिलकर इससे फाइट करनी होगी। साथ ही साथ उन्हें ऑर्डर देता है कि कुछ लोग केव के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करेंगे और बाकी बचे उनके साथ आएंगे ज़ॉम्बी किंग से फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए अपनी अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। जहां एक तरफ लिन ब्लू फिनिक्स का यूज कर रहा था, तो दूसरी ओर चेरी चैन अपने मल्टीपल डोर की हेल्प से बहुत से बीस्ट को बुला रही थी। ज़ॉम्बी किंग की हाइट काफी बड़ी थी और वो देखने में बहुत डेंजरस लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे दोनों सेंट गार्ड फाइट कर रहे थे, जिनसे वो बहुत इजीली बच जा रहा था। पर तभी लॉन्ग हाउ चैन और सायर भी उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे ज़ॉम्बी किंग काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपनी पॉइजन स्वॉर्ड निकालकर मरे हुए ज़ॉम्बीज की पावर उसमें एब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से दोनों सेंट पर अटैक करता है, मगर यहाँ दोनों सेंट गार्ड ने भी काउंटर अटैक कर दिया था, जिसके टकराते ही वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर सब एक साथ मिलकर ज़ॉम्बी पर अटैक करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी अपने पास एक ब्लास्ट करता है, जिससे सब पीछे हो गए थे, मगर तभी हैन्यू अपनी ब्लेसिंग ऑफ लाइट टेक्निक का यूज करके सबको एक शील्ड में प्रोटेक्ट कर लेता है। अब लॉन्ग हाउ चैन ज़ॉम्बी किंग पर अटैक करता है, जिससे उसे पता चल गया था कि ये लड़का भी कुछ कम नहीं है। तभी वहां सायर अपने सिक्स पाथ ऑफ समसारा अटैक का यूज कर देती है, जिससे ज़ॉम्बी किंग का हाथ कट गया था, लेकिन फिर भी उसका हाथ दोबारा ग्रो हो गया था। वहीं सायर लॉन्ग हाउ चैन को बताती है कि वो समसारा अटैक बार बार यूज कर सकती है। इतना कहते ही सायर दोबारा समसारा अटैक का यूज करने चलती है, लेकिन लॉन्ग हाउ चैन उसे मना कर देता है और कहता है, मेरे पास गॉड की दी गई एक न्यू पावर है। ऐसा कहते हुए वो गॉडेस ऑफ लाइट की पावर से एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिसमें से एक बहुत बड़ी डिवाइन स्वॉर्ड निकलकर ज़ॉम्बी किंग के आर पार हो जाती है, जिससे ज़ॉम्बी किंग मारा जाता है। मगर इस अटैक से लॉन्ग हाउ चैन काफी वीक हो गया था, इसलिए सब उससे पूछते हैं, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? जिस पे लॉन्ग हाउ चैन हां में सर हिलाता है। तभी हम देखते हैं केव से एक एनर्जी रिलीज होती है और उसमें से हायू बाहर आता है, मतलब उसका एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था, जिसका फोर्थ सर भी निकल आया था, जो देखकर सब काफी हैरान थे। इतने में वहीं उन्हें 3 क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर लॉन्ग हाउ चैन कहता है, ये तो यहां के 3 गॉड हैं। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।